यह है यूलेफोन आर्मर 3W जो आता है ग्रेट स्पेसिफिकेशन, रग डिज़ाइन और 10,300 mAh की बैटरी के साथ। ऑन पेपर पे तो ये बहुत ही सॉलिड है, लेकिन रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म करता है जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है वसीम और शुरू करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग से। तो बॉक्स पे मेंशन है कि ये IP69 और IP68 जो है वाटरप्रूफ है। उसके अलावा स्पेसिफिकेशन भी मेंशन है बॉक्स पे पीछे साइड पे। और उसके अलावा अभी हम शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो आप देख सकते हैं मेन यूनिट जो है मेरे पास है अभी, लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें आई हैं इसके साथ जो कि आप देख सकते हैं बॉक्सेस हैं। तो इसके साथ आया है सबसे पहली चीज़ है वो है OTG केबल है, ये USB-C to OTG केबल, USB-C to 3.5 mm, और उसके अलावा है एक स्क्रू ड्राइवर जो कि सिम कार्ड और SD कार्ड के लिए काम में आएगा। उसके अलावा USB-C to माइक्रो USB है, यानी कि पुराने इससे चार्जिंग से आप कर सकते हैं। USB-C डेटा केबल है, स्लिंग है एक साथ में, मोबाइल को आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और बॉक्स है, दो बॉक्स हैं। उसके अलावा टेम्पर्ड ग्लास है एक्स्ट्रा, यूज़र मैनुअल है और वारंटी कार्ड है। इसके साथ फ़ोन होल्डर भी दिया हुआ है जो कि आप बाइक पे या साइकिल पे इंस्टॉल कर सकते हैं GPS के लिए, मैप के लिए। और इसके साथ ही साथ लास्ट बॉक्स में जो है वो है फास्ट चार्जर 18 वैट का यूलेफोन की तरफ से। अभी आते हैं मेन यूनिट की तरफ, और मेन यूनिट आप देख सकते हैं कि थोड़ी थिक है और थोड़ा सा हैवी भी है वेट वाइज। और जो है मैं देख सकता हूँ इस पर ऑलरेडी जो है ग्लास इंस्टॉल्ड है। अब हम इसके डिज़ाइन वाइज एक बार देख लेते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि एंटीने के लिए स्पेस है जो कि वॉकी टॉकी के लिए यूज़ होगा। उसके अलावा मेन कैमरा सेंसर आप देख सकते हैं, और उसके बाजू में LED है। और नीचे यूलेफोन का लोगो जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे सिम और SD कार्ड आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं। ऊपर स्लिंग के लिए जगह है और नीचे भी आप जहाँ पे इंस्टॉल करना चाहें। टाइप सी आप देख सकते हैं, चार्जिंग पोर्ट है जो कि सील्ड है रबर के नीचे वाटरप्रूफ के लिए। साइड में आप देख सकते हैं शॉक रेजिस्टेंट कॉर्नर्स हैं इसके, रबर है, शॉक प्रूफ लिखा हुआ है और इस साइड लिखा है वाटरप्रूफ। और उसके ऊपर आप देख सकते हैं वॉल्यूम रॉकर है और PTT बटन है जो कि स्पेशली वॉकी टॉकी के लिए यूज़ होगा, और उसके लिए एक स्पेशल ऐप होता है। और इस साइड आप देख सकते हैं पावर ऑन ऑफ का बटन है, और उसी के नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर है। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं जो कि है हमारा सेल्फी, और वहीं पे दो क्या स्पीकर्स हैं जो कि ड्यूअल स्पीकर्स हैं। और अभी हम इसे ऑन करते हैं और इसमें सब सेटअप कर लेता हूँ। और देख सकते हैं कि सेटअप के बाद काफ़ी स्टॉक एंड्रॉयड दिखता है, लेकिन ये काफ़ी थिक है कंपेयर टू हमारे रेगुलर स्मार्टफोन से। आप देख सकते हैं LG G7 और Realme XT है, और ये काफ़ी थिक है। यूलेफोन एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है जो रग स्मार्टफोन बनाता है, और जो लोग कंस्ट्रक्शन वर्क या आउटडोर वर्क करते हैं उनके लिए बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मार्टफोन है। उसके अलावा ये वाटरप्रूफ स्मार्टफोन भी है, जहाँ पे इसको IP68 और IP69 का सर्टिफिकेशन मिला है जो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट का होता है, और उस पर 1.5 मीटर और 30 मिनट तक का ये वाटर टेस्ट जो है झेल सकता है। उसके अलावा मैंने भी कुछ वाटर टेस्ट किए, और सीरियसली ये एक बहुत ही अच्छा वाटरप्रूफ स्मार्टफोन भी है। उसके अलावा 1.2 मीटर का ड्रॉप टेस्ट भी इस पर किया हुआ है, जो इसके साइड में शॉक रेजिस्टेंट रबर्स हैं जो उसे बचाते हैं इसे कोई भी नुकसान होने से। ये स्मार्टफोन जो है एक मिलिट्री स्टैंडर्ड मटेरियल से बना हुआ है, जिसका सर्टिफिकेशन है 81G, और इस तरह के सर्टिफिकेशन के लिए उसको बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जो मैंने इससे पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था। AGM A9 के रिव्यू में मैंने ये सब चीज़ें एक्सप्लेन किया था मिलिट्री स्टैंडर्ड मटेरियल के सर्टिफिकेशन के लिए उसको कौन कौन से टेस्ट से गुजरना पड़ता है, लेकिन फिर एक बार मैं बता देता हूँ। वो है सॉल्ट, डस्ट, ह्यूमिडिटी, रेन, वाइब्रेशन, सोलार, रेडिएशन ट्रांसपोर्ट, थर्मल शॉक रेजिस्टेंट, और ये सब चीज़ों की वजह से ये स्मार्टफोन बनता है एक स्ट्रॉन्ग रग स्मार्टफोन। और यूट्यूब पे यूलेफोन के स्मार्टफोन के काफ़ी सारे ऐसे वीडियो टेस्ट आपको मिलेंगे, जहाँ पे उसको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट से गुजरना पड़ता है, और बिल्ड क्वालिटी जो है कितनी स्ट्रॉन्ग है।
और इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर स्मार्टफोन। उसका रीज़न ये है कि इसमें है 10,300 mAh की बैटरी, तो इसका वेट है अराउंड 358 ग्राम। और इसका जो बैटरी बैकअप है वो है अराउंड 72 आवर्स तक का म्यूज़िक प्लेबैक, 66 आवर तक का फ़ोन कॉल और 19 घंटे तक का जो है आप इस पे वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा ये रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, यानी कि आप अदर स्मार्टफोन और गैजेट जो है इससे चार्ज कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। बैटरी लाइफ अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही ऑसम है, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट यूजेज। 4 से 5 दिन तक जो है ये स्मार्टफोन को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बहुत मिनिमम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो ज़रूर ये एक बैटरीलिशियस स्मार्टफोन है। और इसके साथ जो है स्मार्टफोन के साथ 18 वाट का फास्ट चार्जर भी आता है, तो इसको फुल चार्ज होने के लिए अराउंड 4 to 5 hours लगते हैं। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए कि बैटरी लाइफ अगर 20% भी होती है तो भी ये फुल डे आपको जो है बैटरी देता है। इस स्मार्टफोन में है ड्यूअल स्पीकर्स जो कि काफ़ी लाउड हैं, और आप अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं या कॉल पिकअप करते हैं तो इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में 3.5 mm जैक तो नहीं है, पर हाई रेजोल्यूशन ब्लूटूथ कोडेक है, यानी कि सोनी एलडेक का सपोर्ट है इस पे, तो आप जो है ब्लूटूथ से अच्छा म्यूज़िक जो है आप सुन सकते हैं इससे। 5.7 inch का स्क्रीन है इसका LCD डिस्प्ले जो कि है फुल HD, और आप चाहे फुल HD वीडियो देखते हैं या स्ट्रीमिंग करते हैं वीडियो प्लेबैक जो है इसका काफ़ी अच्छा है। और इसका ब्राइटनेस जो है काफ़ी ब्राइट है, इसका जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छा है इंडोर में कंपेयर टू आउटडोर से, बट ओवरऑल जो है अच्छा एक्सपीरियंस है इसके स्क्रीन का। ये वर्ल्ड का सबसे पहला स्मार्टफोन है जो आता है मीडियाटेक P70 प्रोसेसर और वॉकी टॉकी फंक्शन के साथ, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एंटीना लेना पड़ेगा या इसका एक अपडेटेड वर्जन है जो कि है 3WT। लेकिन उसके अलावा आप देख सकते हैं कि एंटीना लेने के बाद जो है डेडिकेटेड PTT बटन के थ्रू आप जो है वॉकी टॉकी यूज़ कर सकते हैं। 6GB रैम और 64GB इनबिल्ट स्पेस है इसमें, सो इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, और भी बेटर हो सकता था, पर गेम्स में आप देख सकते हैं कि ये फुल HD में जो है कोई लैग नहीं है, PUBG भी आप फुल HD में स्मूथ खेल सकते हैं। यह आता है एंड्रॉयड 9 के साथ, और इसका UI काफ़ी क्लीन और स्नैपी है। इसमें लेटेस्ट OS अभी फ़िलहाल तो नहीं है, बट शायद आगे आ सकता है। और यह आता है एक स्पेशल आउटडोर जॉब्स के लिए टूल्स के साथ जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं है, इसलिए यह आता है 21 मेगापिक्सल यानी कि सोनी के IMX230 कैमरे के साथ और f1.8 अपर्चर के साथ और 8 मेगापिक्सल के फ्रंट फेसिंग कैमरे के साथ। ऑफ कोर्स ये बेस्ट कैमरास नहीं है, मैं इसे कहूँगा ये एक डिसेंट परफॉर्मर है और पिक्चर क्वालिटी उतनी भी बुरी नहीं है इसकी, चाहे वो सेल्फी हो या रेगुलर कैमरास हो। स्मार्टफोन आता है 3 स्लॉट के साथ, यानी कि 2 SIM कार्ड और 1 SD कार्ड स्लॉट के साथ। लेकिन ऑफ कोर्स इसको थोड़ा सा इंसर्ट करना जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वाटरप्रूफ प्रोटेक्शन डिज़ाइन की वजह से इसको जो है आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जो है इस पर आप वाईफाई कॉलिंग भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा फंक्शन है कि ये धीरे धीरे सभी स्मार्टफोन में आता जा रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू, बट ये जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वाईफाई कॉलिंग। इसके साथ जो टूल आए हैं, यानी कि इसके साथ जो दूसरी एक्सेसरीज आई हैं, आप उसको बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और ओवरऑल ये एक अच्छा रग स्मार्टफोन है फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज़र्स। और इसका डिस्प्ले प्रोसेसर कैमरा और भी अच्छा हो सकता था, लेकिन इस प्राइस में जो है ये एक अच्छा स्मार्टफोन है मैं कहूँगा। 19,000 तक का AliExpress पे इसका प्राइस है, लेकिन आपको कस्टम और पेनल्टी जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है, तो आप थोड़ा केयरफुल रहे इसे बाहर किसी साइट से मंगाते वक्त। अगर आप ट्रू वायरलेस हेडसेट सर्च कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा मीवी के DuoPods M20 जो कि ट्रू वायरलेस स्टीरियो ब्लूटूथ हेडसेट है, और इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही लाइटवेट डिज़ाइन है, बहुत ही इजीली आप इसको कानों में पहन सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये बहुत इजीली कानों में बैठते भी हैं और बिल्कुल कानों से निकलते भी नहीं है, और ये बहुत ही इजीली कनेक्ट टू डिवाइस है और कनेक्शन भी इसका काफ़ी अच्छा है।
टच टू प्ले फंक्शन इस पे बहुत ही इजी है और उससे आप सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हैं और कॉल को भी पिकअप कर सकते हैं। उसके अलावा ये IPX4 रेटिंग के साथ आता है, यानी कि ये नॉर्मल स्वेट और स्प्लैश प्रूफ भी है, यानी कि नॉर्मल वाटर से स्प्लैश वाटर से भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा अगर मैं इसके प्रोज की बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छा वॉइस क्वालिटी है इसका, म्यूज़िक का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसका, और इसका जो म्यूज़िक प्लेबैक टाइम है वो है अराउंड 5 आवर्स तक का, और इसका जो केस है उसके साथ आपको जो है और एक्स्ट्रा 3 टाइम आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है इसका और प्राइस भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव है इसका, और ये एक बहुत ही परफेक्ट ट्रू वायरलेस स्टीरियो हेडसेट हो सकता है आपके लिए। तो आप ज़रूरी से ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको ये हेडसेट कैसा लगा। तो ये मेरा रिव्यू था इस स्मार्टफोन को लेकर। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और आप कौन से प्रोडक्ट के रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टे होम स्टे सेफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।